उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अब ठंड का असर कम होते दिख रहा है। धूप के खिलने से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अब कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में तमिलनाडु केरल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश के साथ बर्फबारी की पूरी संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में लोग इन दिनों धूप का आनंद उठाते दिख रहे हैं। आज भी दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में मौसम साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी। दिल्ली में अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान में तेज धूप खिलने और ठंड से राहत मिलने के बाद आज से मौसम एक बार फिर बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आज राजस्थान के जयपुर और जोधपुर सहित कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य के अधिकतर जिलों में आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 फरवरी को बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इसके बाद 1-2 दिन बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। वहीं बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं कल से मौसम करवट लेगा और 20 फरवरी को कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके बाद आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दोनों राज्यों में बारिश की वजह से ठंड महसूस की जा सकती है। हालांकि बारिश बंद होने के बाद मौसम साफ होगा और धूप निकलने की वजह से राहत मिल सकती है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी होते दिख रही है। आज यूपी के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रह सकता है और अगले कुछ दिनों तक यूपी में मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। वहीं पंजाब में मौसम साफ रहने लगा है। अब धीरे धीरे दिन में धूप निकलने की वजह से सर्दी में भी कमी आई है। हल्की सुबह शाम अभी हल्का कोहरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अब अगले कुछ दिन तक पंजाब में मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 18 फरवरी को पंजाब में बादल छाए रहेंगे। आज अधिकतम तापमान पंजाब में 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रह सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। जम्मू संभाग में भी आज से बादल छाए रहेंगे। इस बीच IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 22 तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रह सकता है। वहीं अगले 3 से 4 दिन में कई हिस्सों में बारिश होते दिखेगी। वहीं बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बीते मंगलवार ऊंचाई वाले इलाकों पर हिमपात हुआ है, जिसके बाद कई हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई। वहीं अब मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। राज्य के कई जिलों में आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक। वहीं अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश देखने को भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।